पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर मुरादाबाद द्वारा विगत वर्षों की भांति निरंतर चले आ रहे चैत्र नवरात्रि पर्व का पंचम दिवस मां स्कंद माता के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन संचालन कर रही भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल की अनीता श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। आज की मुख्य यजमान वीना गुलाटी रही। सर्वप्रथम भवन में देवी देवताओं को तिलक करके ज्योति प्रज्वलित की गयी और शनिवार का दिन होने के कारण मैया को नीले रंग की साड़ी पहनाई गयी। भवन में सतविंदर कौर द्वारा भक्तों को केसर दूध का भोग बांटा गया और मैया रानी का सुंदर रूप भक्तों द्वारा किया गया। मोनिका बंसल, प्रीति पासी, सोनी वर्मा द्वारा भजनों का गायन किया गया। नीरू बजाज के द्वारा ढोल के साथ भजनों का भी गायन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल के द्वारा कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ भगवती को एक ही स्थान पर स्थापित करा गया है। माँ स्कंद माता का पाठ भी करा गया। आज प्रतिदिन हर रूप का उनके पाठ किया जाता है और उनको अलग अलग तरीके का श्रृंगार करा जाता है। इस बार हम लोग स्टेट वाइज उनका श्रृंगार कर रहे हैं। कभी हम लोग उत्तराचल का लुक दे रहे हैं, कभी हम लोग साउथ का लुक दे रहे हैं, कभी हम बंगाली लुक दे रहे हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग माँ भगवती का श्रृंगार करा जा रहा है और उनका नित्य प्रति पाठ करा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के उनको भोग लगाए जाते हैं। भक्तों में इतना उत्साह है, कभी उनको पान के बीड़े से रिझाया जाता है, कभी उन्हें केसर के दूध का भोग लगाया जाता है। भक्तों ने एक आवाज़ उठाई कि हमें तो रोज़ भगवती को रबड़ी का भोग लगाना है। तो ऐसा मतलब उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग राम जन्म उत्सव का प्रतिदिन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें राम उत्सव उनकी बधाई गाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को राम के रूप में दर्शाया जाता है। बच्चों में ये संस्कार डाला जा रहा है कि आने वाला समय वो भी थोड़ा सा भक्ति में मन लगाएं और उनको पूजा पाठ में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। आज पाँचवा दिन सम्पन्न हो गया है और अभी 3 दिन और एक ही स्थान पर माँ भगवती का चलेगा ये पाठ और कीर्तन अनुष्ठान चलेगा। 9वें दिन इस कार्यक्रम का समापन भंडारी के रूप में करा जाएगा, जिसमें माँ भगवती सिद्धिदात्री जी का नज़ारा होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।